हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। साथ में कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया 9.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स में हम लोग आ चुके हैं और मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम यहाँ पे 885 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 878 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 891 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, बट ईयर ऑन ईयर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 532 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर 437 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। कंपनी के एक्सपेंसेस अगर देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रही है। यहाँ पे इनकम में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने का प्रॉफिट्स में गिरावट आ रही है, जो कि इस बार का प्रॉफिट 261 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 279 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 338 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। EPS 8.12 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, स्टैंडअलोन रिजल्ट जो कंपनी का पेश हुआ है, बहुत वीक रिजल्ट कंपनी ने पेश किया। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सॉलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर मिलियंस में दिए गए। इनकम यहाँ पे 885 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 879 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 892 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, बट ईयर ऑन ईयर में डाउनफॉल देखने को मिला। एक्सपेंसेस 532 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 436 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुए। यहाँ पे इनकम उतना ग्रोथ नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आया है, जो कि इस बार का प्रॉफिट 262 करोड़ का, मार्च पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 340 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। EPS 8.13 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर पिछले साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ है, बहुत वीक कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया है। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेजरी, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इश्यूअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी, इन सभी जगह 3 जगह से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि बहुत ही वीक इस बार देखने को मिल रहा है। जिसको मार्केट नेगेटिव मिलेगा और उसके शेयर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।